हेलो गाइस, स्वागत है आप सबको अल्ट्रारॉन की गेमिंग चैनल पर। गाइस मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अल्ट्रारॉन। तो फिलहाल आज का जो प्रैक्टिस मैच है वो प्रैक्टिस मैच देख पा रहे हैं। प्रैक्टिस मैच चल रहा है इरेंगल पे, अब सबका फेवरेट। तो फिलहाल यहां पे तीन टीम को दिखाई दे रहे हैं इरेंगल की मिलिट्री बेस पे, और दो टीम दिखाई दे रहे हैं नोवो के साइड। सो फिलहाल यहाँ पे जो सिचुएशन है काफ़ी हार्ड लग रहा है मेरे को। स्लॉट नंबर 22 के जो बंदे हैं वो फिलहाल थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। स्लॉट नंबर 22 के बंदे की बात करें तो यहाँ पे जोकर की टीम है, जोकर ओपी की टीम, और एटीआर के जो बंदे दिखाई दे रहे हैं वो पिस्तौल रास्टर की टीम के बंदे हैं। नोवो के साइड वो लोग हैं, और यहाँ पे मिल्टा के साइड, मिल्टा पावर के साइड फाइट हो चुका था, तो वो फाइट हम लोग कवर नहीं किए क्योंकि अर्ली फाइट हम लोग कवर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। और यहाँ पे जो सिचुएशन है, स्लॉट नंबर 15 के जो बंदे हैं कुछ फाइट्स हम लोग देखते हैं, जो मन करते हैं जहाँ पे फाइट मन करता है वहीं पे जाते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं आता है। हम बार बार बोल कर कर चुके हैं कि ड्रॉप लोकेशन चेंज मत किया करें, ड्रॉप लोकेशन जो है अब लोग देख कर खेले। स्लॉट नंबर 15 के बंदे यहाँ पर स्लॉट नंबर 15 के बिल्कुल करीब हैं। स्लॉट नंबर 15 के बंदे टीआरसी के बंदे यहाँ पे टाउन फिनिश हो गए स्लॉट नंबर 10 के द्वारा। फिलहाल जो है सिचुएशन है, स्लॉट नंबर 15 के बंदे बिल्कुल यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 के बहुत करीब हैं। लास्ट बंदा मेरे को लगता है, ये लास्ट नहीं है और दो बंदे हैं इनके, बट इनके और एक बंदा वो कहाँ पर मुझे नहीं पता, वो बिल्कुल अलग साइड ही है भाई। बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 15, अच्छा स्लॉट नंबर 15 के एक बंदा डीसी है, यहाँ पे दूसरा बंदा जो है यहाँ पे लिकोपका के साइड है। स्लॉट नंबर 10 के बंदे बिल्कुल इनके सामने हैं। स्लॉट नंबर जो है 9 के बंदे वो यहाँ से निकल गए, बिल्कुल पता था उनको कि यहाँ पे बंदे हैं, इतने सारे टीम्स हैं तो वो लोग निकल गए आराम से। सो फिलहाल एक्स मैक्स की टीम के साइड चलते हैं। एक्स मैक्स की टीम के साइड अगर चलेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं तो बहुत सारे टीम्स हैं, बीटी के टीम के बंदे मौजूद हैं। स्लॉट नंबर 2 के जो बंदे हैं वो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं। स्लॉट नंबर 2 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे नाल वेक्टर्स के टीम के बंदे हैं। नाल वेक्टर्स के जो टीम के बंदे वो भी ओडिशा के हैं। स्लॉट नंबर 13 के बंदे वो इनके साथ फाइट लेते हुए, स्लॉट नंबर 13 के जो बंदे हैं बीटी रासगौड़ के टीम के बंदे हैं, बीटी मतलब ब्लैक टाइगर के टीम के बंदे। फिलहाल नाल वेक्टर्स के जो टीम के बंदे हैं वो डाउन हो चुके हैं फिलहाल बीटी के टीम के द्वारा, रासगौड़ के द्वारा। फिलहाल बीटी के टीम के बंदे फिलहाल स्लॉट नंबर 2 के ऊपर पोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाल फैक्टर के जो टीम के बंदे हैं वो फिलहाल यहाँ पे डाउन है। स्लॉट नंबर 13 के बंदे उनको बहुत ज़्यादा डाउन कर चुके थे, बट यहाँ पे क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। एक बंदा फिनिश हो चुके हैं स्लॉट नंबर 2 के बंदे, फिलहाल देख सकते हैं बहुत ही तगड़ा फाइट चलते हुए यहाँ पे स्लॉट नंबर 13 और स्लॉट नंबर 2 के बीच। एक्स मैक्स की टीम यहाँ पे साइड में मौजूद हैं, वो अभी तक फाइट नहीं लिए हैं, फाइट में एंगेज नहीं है, बट वो यहाँ पे लूट करके आगे आए तो बहुत ही तगड़ा फाइट हो सकता है स्लॉट नंबर 13 स्लॉट नंबर 2 के बीच और स्लॉट नंबर 25 के बीच में भी। सो फिलहाल यहाँ पे बीटी का टीम के बंदा बहुत थोड़ा सा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डाउन एचपी हो रहे हैं। स्लॉट नंबर 2 के बंदे वो यहाँ पे लूसीफर जो है वो यहाँ पे डाउन है, उनको रिवाइव दिया जा रहा है। बट यहाँ पे एक बंदा टीपीपी लेते हुए स्लॉट नंबर 13 के बंदा, बट वो बंदा यहाँ पे टीपीपी लेते हुए बहुत ही गलत कर सकते हैं क्योंकि स्लॉट नंबर जो है स्लॉट नंबर 2 की बंदे की बात करें तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे बीटी रसगॉड वो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं दिखाई दे रहे हैं। बीटी रसगॉड यहाँ पे डाउन होने के साथ साथ वॉर बॉय की बात करें तो वॉर बॉय वो भी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। बीटी रसगॉड बॉय दोनों ही यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, और नहीं अभी रसगॉड अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं। स्लॉट नंबर 3 के जो बंदे हैं वो फिलहाल देख सकते हैं पर एम के बगल में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हार्ट बहुत ही ज़्यादा एकदम खराब, कौन किसको मार रहा है
वो समझ बिल्कुल नहीं आ रहा है स्लॉट नंबर टू के जो बंदे हैं। एक बंदा यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, दूसरा बंदा यहाँ पे डाउन एचपी है, तीसरा बंदा यहाँ पे स्मोकर की बात करे तो वो यहाँ पे बिल्कुल इंतजार करते हुए। समझ नहीं आ रहा है कि कौन किसको पिल रहा है, कौन किस साइड, कौन से साइड से किसको पड़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे स्मोकर की बात करें, ओ हो, क्या ही ग्रेनेड की प्रहार यहाँ पे एक्स मैक्स रावण की, यहाँ पे और यहाँ पे एक्स मैक्स की टीम के बंदे वह भी एंट्री मार चुके हैं, और एंट्री मारने के साथ साथ यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं एक्स मैक्स की टीम के बंदे। एक्स मैक्स रावण यहाँ पे बिल्कुल ऊपर जाके ओके रावण यहाँ पे फिनिश करते हुए बीटी के टीम के बंदे को, सामने ही बैठे थे बिल्कुल, वो कुछ स्टेप नहीं दे रहे थे तो यहाँ पे बिल्कुल गरीब यहाँ पे सिचुएशन बन गया था। यहाँ पे स्लॉट नंबर टू की बंदे की बात करें, लास्ट एक बंदा सरवाइव करते हुए वो निकल रहे हैं, जिस भसड़ से वो निकल रहे हैं, जो भसड़ यहाँ पे मचा था उस भसड़ से बाहर निकलते हुए स्लॉट नंबर टू के लास्ट बंदा, ओडिशा के टीम का जो बंदा है वो, नाल वेक्टर की टीम के लास्ट बंदा वो निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्स मैक्स की टीम अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, बट एक्स मैक्स की टीम के चारों बंदे अभी भी सरवाइव करते हुए। तो फिलहाल यहाँ पे नोवो का साइड जो फाइट हुआ था तो वो यहाँ पे पिस्तौल असर के जो टीम है वो चले गए लॉबी पर। फिलहाल हम लोग फोकस डालेंगे यहाँ पे एसना पोलेना के साइड। सो फिलहाल पहुँच चुके हैं यासना है पोलेना के साइड। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट नंबर 16 के बंदे वो यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, स्लॉट नंबर 8 के बंदे सरवाइव कर रहे हैं। स्लॉट नंबर 16 के एक बंदे की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो चुका है अपने टीममेट से। अपने टीममेट से अलग होने के कारण वो यहाँ पे उनका पछतावा हो सकता है, क्योंकि स्लॉट नंबर 8 से वो घेर चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पे स्लॉट नंबर 16 के बंदे को यहाँ पे स्पॉट किया गया है, अकेला एक सोलो लौंडा यहाँ पे स्लॉट नंबर 16 के बंदा जो है वहाँ पे मौजूद है। स्लॉट नंबर 8 के बंदे अगर उनको घेर के मारे तो यहाँ पे वो बच नहीं सकते, कोई भी यहाँ पे कवर फायर नहीं देगा। स्लॉट नंबर 16 के बंदा तेज रफ्तार से अपने टीममेट के साइड आगे बढ़ते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, बट वो क्या यहाँ पर गलती हो सकते हैं उनके लिए, वो अपने टीममेट के साइड बहुत ही ज़्यादा एकदम तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि सामने स्लॉट नंबर 8 के चारों बंदे वहाँ पे उनको घेर रहे थे। माँ कसम वो साइड से निकलते हुए बचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं अभी तक, बट स्लॉट नंबर 8 के बंदे क्या यहाँ पे उस बंदे को ढूंढते हुए स्लॉट नंबर 16 की पूरी टीम के साथ साइड पहुँच जाएंगे। अगर पहुँच गए तो यहाँ पे फाइट हो सकता है, वो भी तगड़ा वाला, तगड़ा वाला फाइट देखने का कोशिश हम लोग करेंगे। और यहाँ पे स्लॉट नंबर 8 के बंदे वो लास्ट स्लॉट नंबर 16 के जो बंदे थे, जो भी हैं स्लॉट नंबर 8 के, तो पता नहीं कौन सा टीम है, बट हमें पता है वो स्लॉट नंबर 16 के जो बंदे हैं एक्स एनोसाइड के टीम के बंदे हैं। स्लॉट नंबर 16 को देख रहे हैं महाराष्ट्र का टीम, स्लॉट नंबर 8 के जो बंदे को आप देख रहे हैं सामने वो भी महाराष्ट्र का टीम है, ड्रीम के टीम के बंदे। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 16 के बंदे स्लॉट नंबर 8 के ऊपर स्प्रे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइस स्प्रे स्लॉट नंबर 16 के साइड से। फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 8 के जो बंदे हैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 8 के बंदे क्या यहाँ पे ड्रीम के टीम के बंदे स्लॉट नंबर 16 से बदला ले पाएंगे नॉक डाउन करने की। बट जो बंदा यहाँ पे नॉक थे उनको अभी तक रिवाइव नहीं दिया गया है, बट अभी रिवाइव हो चुके हैं। शुभन 17 को दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा लो एचपी हो गए थे, हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे साइड हम लोग चलेंगे एक बार रोजोक के साइड, वहाँ पे देख सकते हैं रोजोक में यहाँ पे स्लॉट नंबर 21 और स्लॉट नंबर 1 के बीच यहाँ पे फाइट लग चुका है। स्लॉट नंबर 1 के जो बंदे हैं स्लॉट नंबर 21 और स्लॉट नंबर 1 के साइड फाइट लग चुका है, और फाइट के वजह से एक बंदा यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं स्लॉट नंबर 21 के जो बंदे हैं। इस बंदे की बात करें तो ये बंदा जो है स्लॉट नंबर 21 की,
वो जी अलॉट के टीम के बंदे हैं, बंगाल के टीम के बंदे। स्लॉट नंबर 1 के एक बंदे को आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो यहाँ पे रिवाइव हो रहे हैं। नाडी के टीम के बंदे, स्लॉट नंबर 1 के बंदे, जम्मू कश्मीर के टीम के बंदे बिल्कुल इनके सामने हैं, स्लॉट नंबर 21 के टीम के बंदे। सो फिलहाल वो समझ गए थे कि अब गलत साइड आ गए थे, बट यहाँ पे एक बंदे को डाउन जरूर कर सकते थे, बट सोल कीपर ओपी वो थोड़ा सा ध्यान उनका भटक चुका है, थोड़ा सा पैनिक भी हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सा डर गए हैं। अगर यहाँ पे बिल्कुल भी मौका मिस ना करते हुए अगर सामने सामने स्लॉट नंबर 1 के बंदे को सही टाइम पे पेलते तो यहाँ पे डाउन हो जाते स्लॉट नंबर 1 के बंदे। बट स्लॉट नंबर 1 के बंदे की बात करें, वो बहुत ज़्यादा लेट के साथ हो चुके हैं। तो फिलहाल नाडी के टीम के बंदे वो फिलहाल यहाँ पे डीबी से डाउन करने का कोशिश कर रहे थे, बट स्लॉट नंबर 1 के बंदे की बात करें वो यहाँ पे बिल्कुल एक बंदा डाउन नहीं हुआ है। पर वो फिलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो एचपी के साथ हो चुके हैं। और स्लॉट नंबर 21 की टीम की बंदे की बात करें, यहाँ पे सलमान सोल वाईटी वो यहाँ पे पहुँच गए थे, तो यहाँ पे सोल कीपर ओपी को यहाँ पे बचाते हुए दिखाई दे, नहीं तो स्लोन कीपर ओपी की साइड से बहुत ही वीक लेवल की गेम प्ले यहाँ पे दिखाई दे रहा था। बट यहाँ पे स्लोट नंबर 21 की जो टीम के बंदे हैं, सोल कीपर ओपी बहुत पहले ही यहाँ पे 1v2 कर सकते थे, ईजी भी कर सकते थे, जैसे देखा कि सामने से स्लोट नंबर 1 के बंदे वो निकल गए, तो उस टाइम में वो स्प्रे नहीं दिया गया। मतलब फटाक से जो चीज़ करना चाहिए वो उनके साइड से बिल्कुल नहीं करा गया था। सो यहाँ पे स्लॉट नंबर 1 की सोल कीपर ओपी को बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरी है। सो फिलहाल यहाँ पे दूसरे साइड हम लोग चलेंगे और यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और स्लॉट नंबर 24 के जो टीम के बंदे हों वो यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। और यहाँ पे कास ओपी यहाँ पे इरेगुलर के साइड है, वो इनके रिवाइव उनको रिवाइव जरूर देंगे। स्लॉट नंबर 23 के बंदे INF के टीम के बंदे वो उनके साइड से आ रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे उनके जाके स्लॉट नंबर 23 के टीम के बंदे को यहाँ पे फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिनिश भी कर चुके हैं। स्लॉट नंबर 25 के टीम के बंदे वो यहाँ से रोटेशन डाल के जा रहे हैं, बट एक स्मैक्स की टीम अगर रुक गए तो INF की टीम की बैंड बच सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल ओपन में बिना घबराए वो लुटूर वुटूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो फिलहाल यहाँ पे एक स्मैक्स की टीम के बंदे की बात करें तो यहाँ पे रुके नहीं, आगे निकल गए हैं वो यहाँ पे स्क्वाड हाउस के साइड आके वो लोग रुक चुके हैं, और फिलहाल वो यहाँ पे होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 और स्लॉट नंबर 8 के बीच में हम लोग फाइट देखने आ चुके हैं, और स्लॉट नंबर 10 के बंदे जो हैं वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, और 4ACL के टीम के बंदे बिल्कुल नीचे हैं, और यहाँ पे लास्ट फाइट होगा। यहाँ पे स्लॉट नंबर 10 के लास्ट एक आखिरी राउंड सर्वाइव करते हुए 10 के बंदे स्लॉट नंबर 8 के बंदे से फिनिश हो के यहाँ पे लॉबी चले गए हैं। स्लॉट नंबर 8 के बंदे की बात करें तो यहाँ पे ड्रीम के टीम के बंदे हैं, 4 किल कर चुके हैं, बट एक लौंडे को खोके। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 8 के बंदे तीनों बंदे सरवाइव कर रहे हैं। सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है इस मिरेंगल इस मैप पर इस मैप पे मतलब सॉरी इस जोन पे। सो फिलहाल यहाँ पे आ गए की तरफ सारे के सारे टीम्स देखिए गाड़ी से बिल्कुल रोटेशन डाल रहे हैं, रोटेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। स्लॉट नंबर 24 के जो बंदे हैं वो यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं, हार्ड हार्ड बहुत ही हार्ड यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, तो फ्रेम ड्रॉप होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट हम लोग जो कवर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप इशू होने के कारण क्रैश हो रहा है यहाँ पे बार बार। तो फिलहाल यहाँ पे जो सिचुएशन है आप लोग देख सकते हैं, स्लॉट नंबर 18 और स्लॉट नंबर 22 के बीच में फाइट लग चुका है, और इस फाइट में यहाँ पे बहुत ही हार्ड सिचुएशन बन चुका है, क्योंकि सिचुएशन ही जगह ही ऐसा है, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पे प्रोन हो जाए तो यहाँ पे ढूंढना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्लो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 2 के बंदे की बात करें तो यहाँ पे पीछे स्लॉट नंबर 22 के बंदे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे पीछे से स्लॉट नंबर 12 के बंदे की एंट्री हो चुका है, तो स्लॉट नंबर 12 की एंट्री की होने के कारण
वो फाइट बिल्कुल भी बिल्कुल एकदम अलग और टर्न ले चुका है, यू टर्न ले चुका है। स्लॉट नंबर 18 के जो बंदे हैं, स्लॉट नंबर 12 से पीछे से उनके ऊपर स्प्रे बढ़ रहा है। सामने स्लॉट नंबर 22 है, वो उनके साइड भी नहीं जा पा रहे। समझ नहीं आ रहा स्लॉट नंबर 18 के बंदे को, तो करे तो करेगा, फंस चुके हैं बिल्कुल स्लॉट नंबर 18 के बंदे। बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 18 के बंदे क्या इस सिचुएशन से निकल सकते हैं, बिल्कुल नहीं पता कि इस यहाँ पर स्लॉट नंबर 18 के बंदे वो निकल पाएंगे या फिर नहीं। बट यहाँ पर ड्राको की बात करें, वो बिल्कुल अभी भी कंपाउंड होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर वो कंपाउंड छोड़ के आगे निकल गए तो यहाँ पे स्लॉट नंबर 18 के बंदे पूरी की पूरी लॉबी चले जा सकते हैं। लास्ट एक लौंडा यहाँ पे स्लॉट नंबर 22 के साइड हो, मतलब सर्वाइव कर रहा था स्लॉट नंबर 18 के बंदे, बट वो भी फिनिश हो चुके हैं। स्लॉट नंबर 18 के बंदे की बात करें तो लास्ट एक लौंडा यहाँ पे अभी भी सर्वाइव करता हुआ, बट वो यहाँ पे स्लॉट नंबर 12 के बंदे के साथ अकेला फाइट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। बार बार बहुत ही ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप इशूज यहाँ पे हो रहा है और समझ नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या करे तो करे क्या भाई। मतलब अगर ड्रोन कैमरे से शूट करें तो सही है, अगर स्टील कैमरा रखे तो सही है, अदरवाइज़ हम POV ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहे हैं, मतलब एकदम लैगी सा हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। स्लॉट नंबर 18 के बंदे की बात करें तो फिनिश हो चुके हैं स्लॉट नंबर 12 के साइड से। स्लॉट नंबर 12 के जो बंदे हैं आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा कि स्लॉट नंबर 12 के जो बंदे हैं आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल अभी फाइट लेंगे स्लॉट नंबर 22 के साइड से। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 22 के बंदे की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लॉट नंबर 12 के साथ फाइट लेते हुए। तो फिलहाल फाइट हम लोग तो देखेंगे, बट इस फ्रेम ड्रॉप के करें क्या। अचानक भाई फ्रेम ड्रॉप स्टार्ट हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट हो चुका है, मोबाइल जो है डिवाइस बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है और गर्मी भी बहुत है। अगर यहाँ पे वेदर थोड़ा सा कूल रहता ना तो इतना ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है। मतलब फ़ोन हीट होता है, लैगी होता है, बट फ्रेम ड्रॉप इतना ज़्यादा नहीं होता है। ये फ़ोन में अभी सेल्सियस हो चुके हैं, देख पा रहे हैं कि सिस्टम में साइड में देखें ना, रुको जरा, 46 डिग्री सेल्सियस, माँ कसम भाई जल जाएगा रे। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 22 के जो बंदे हैं सामने हैं और जोकर की टीम, और स्लॉट नंबर 12 के बंदे बिल्कुल कंपाउंड होल्ड करके यहाँ पे स्क्वाड हाउस होल्ड करके अभी भी बैठे हुए हैं। स्लॉट नंबर 12 और स्लॉट नंबर 22 के बीच में बहुत ही करारा फाइट हो जाएगा। जोन में आगे बढ़ेंगे, जोन में सर्वाइव करने के लिए आगे बढ़ेंगे और फाइट यहाँ पर ज़रूर होगा। सो फिलहाल यहाँ पर जो कैमरा को अगर घुमाएंगे तो फिलहाल यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगा। वेट कीजिए थोड़ा सा, ये दिखाएंगे आपको। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 23 को बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हुए स्लॉट नंबर 22 के बंदे को दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप इशूज होने के कारण जो है सिचुएशन हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, बट ये कवर अब करने की लायक ही नहीं है भाई, माँ कसम बता रहे हैं। बहुत सारे फाइट्स यहाँ पे देखे हैं, बहुत अच्छा फाइट्स चल रहा है, बट गजब स्थिति हो चुका है इस डिवाइस की वजह से। स्लॉट नंबर 22 के जो बंदे हैं अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, स्लॉट नंबर 23 के बंदे अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं आप देख सकते हैं, और स्लॉट नंबर 12 की बात कर रहे तो XYZ की टीम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सामने XMAX की टीम अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। XMAX की टीम के पीछे बिल्कुल यहाँ पे स्लॉट नंबर जो है 12 के बंदे दिख रहे हैं, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, स्लॉट नंबर 21 के बंदे मौजूद हैं। XMAX की टीम के बंदे यहाँ पे लेजेंड को दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल गाड़ी के पीछे थे और यहाँ पे फिलहाल XMAX की टीम की बंदे XMAX रावण बहुत ही प्यारा एक ग्रेनेड डाले और स्लॉट नंबर 21 के टीम के बंदे को लॉबी पहुँचा दिए। जियालॉट की टीम के बंदे, बंगाल की टीम के बंदे पहुंचा दिया लॉबी पर, बट यहाँ पे स्लॉट नंबर 23 के बंदे अकेला एक सोलो राउंडर सामने सर्वाइव कर रहे हैं स्लॉट नंबर 22 के जो बंदे हैं आप देख सकते हैं।
बंगाल के और एक टीम वो सामने मौजूद है। सो फिलहाल यहाँ पे स्लॉट नंबर 12 के बंदे की बात करें तो वो यहाँ पे हम मौजूद हैं। स्लॉट नंबर 12 के जो बंदे हैं वो फिलहाल देख सकते हैं एक्स वाई जेड के टीम के बंदे वो यहाँ पे मौजूद है। फाइट लगने वाला है बहुत ही हार्ड। देखते हैं उस हार्ड फाइट में कौन यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं और यहाँ पे विनर विनर चिकन डिनर ले सकते हैं। तो फिलहाल एक्स मैक्स लेजर ने यहाँ पे जोकर के टीम के एक बंदे को डाउन किए थे, बट अस्थामा अंकित अभी तक जोन में नहीं गए थे, जोन को वो यहाँ पे प्रायोरिटी देते हुए आगे निकलना चाहिए था, बट वो अभी तक नहीं गए थे। तो इसलिए यहाँ पे स्लॉट नंबर 22 पे जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएंगे, लो एच पी हो जाएगा। उस जो लो एच पी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे एक्स मैक्स की टीम के बंदे उनको डाउन कर सकते हैं। लेजर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्लॉट नंबर 22 के जो बंदे हैं उनको फिनिश कर चुके हैं। एक्स मैक्स रावण वो यहाँ पे डाउन है और उनको फिलहाल रिवाइव किया जाएगा वो सोच रहे थे, बट यहाँ पे एक्स मैक्स रावण अभी तक सरवाइव करते हुए दिखाई दे रहे थे, बट डाउन है। बट क्या उनके साइड कोई भी बंदा जाके उनको रिवाइव देगा? ओके, तो वेनम उनके साइड पहुंच चुके हैं और रिवाइव दे रहे हैं, और फिलहाल जो है सिचुएशन 30 सेकेंड से जोन के अंदर जाने के लिए। स्लॉट नंबर 12 के बंदे की बात करें तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के टीम के बंदे बिल्कुल जोन के साइड मौजूद है और वो यहाँ पे एक्स मैक्स की टीम के ऊपर बाज की नज़र रखते हुए। तो फिलहाल स्लॉट नंबर 12 के जो बंदे हैं वो पास की नज़र से क्या यहाँ पे एक्स मैक्स की टीम के बंदे और इस अगर टीम के बंदे वो आगे निकल पाएंगे। पर एक्स मैक्स की टीम के वेनम यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, रावण के साइड यहाँ पे वेनम है, बट यहाँ पे 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड में उनको निकलना है। रावण अगर उनको छोड़ के आगे निकलेंगे तो फिर वो यहाँ पे सही करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे जोन स्टार्ट हो गया होगा तो फिलहाल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक्स वाई जेड के टीम के बंदे वो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं और एक्स मैक्स की टीम की वेनम को दूसरी बार डाउन करते हुए, सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा है। एक्स मैक्स रावण वो यहाँ पे डाउन है, एक्स मैक्स और अभी भी सरवाइव करते हुए। लॉर्ड नंबर 25 के टीम के जो बंदे हैं फिलहाल एक लॉन्डर लास्ट सर एक लॉन्डर नहीं दो लॉन्डर सरवाइव करते हुए। वेनम यहाँ पे फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, रावण वो यहाँ पे डाउन है, एक्स मैक्स थॉर वो अभी तक सरवाइव करते हुए अपने टीममेट्स के साइड से, बट यहाँ पे एक्स मैक्स की टीम की बैंड बजाते हुए स्लॉट नंबर 12 के जो बंदे हैं एक्स वाई जेड के टीम के बंदे वो विनर विनर चिकन डिनर लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर। I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.